चिलवाताल थाना क्षेत्र के ग्राम सभा मोहम्मदपुर माफी में सोमवार को सुबह पुराने विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए। बीच बचाव करने आई 58 वर्षीय राधिका देवी पत्नी स्वर्गीय लालजी यादव मारपीट में घायल हो गई। परिजन उन्हें तुरंत गोरखनाथ चिकित्सालय ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वादी के हीरानंद यादव के अनुसार गांव के ही कुछ व्यक्तियों से उनका विवाद चलता था। सोमवार की सुबह उन लोगों ने दरवाजे पर चढ़कर गाली देने लगे। बीच बचाव करने गई राधिका देवी को मारपीट कर घायल कर दिए, जिससे वह वहीं गिर गई। आनंद फानंद में उन्हें गोरखनाथ चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया, एक पक्ष खड़ा सीधा सीधा विवाद है और इसके अलावा कोई ना घायल है ना गोली की चोट है। ये एक महिला की डेथ हुई है, ये गांव मोहम्मदपुर माफी पड़ता है, थाना चिलवाताल। यहाँ पर ये बात प्रकाश में आई है, दो पक्ष जो कि एक ही जाति थे, सुबह एक बात से इनका विवाद चालू हुआ और उसके बाद दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। इसी बीच जो मृतका है उनकी तबीयत खराब हुई और उनको हॉस्पिटल के लिए लेके गए, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। जो पीड़ित पक्ष के द्वारा तहरीर दी गई उसमें बताया गया कि लाठी डंडे से इनके पर प्रहार किया गया, जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और कहीं पे भी गोली चलने इत्यादि की बात नहीं है। मौके पर ही तत्काल जो है सूचना मिली, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा विलंब से सूचना दी थी। सूचना मिलते ही तत्काल जो है वहाँ पर एसपी नॉर्थ और सीओ और आसपास थाने की फोर्स पहुँची है। पोस्टमार्टम के बाद इसके अंदर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी, ये एक पक्ष का ये कहना है कि सुबह एक जो वहाँ पर जो महिला है वो वहाँ पर जब जा रही थी तो दूसरे पक्ष से कुछ विवाद हुआ, कुछ छींटाकशी की बात आई है, उसके बाद दूसरा पक्ष हमलावर हुआ और उसने वहाँ पे मारा। एक बात ये भी निकल के आई है कि पुराना इनके बीच में विवाद है, क्योंकि घटना आज सुबह की ही है और जब इनको डेड बॉडी को वापस जैसे इलाज के बाद मृत्यु होने के बाद वापस लेके आए तब पुलिस को सूचना मिली थी। इस बीच जो दूसरा पक्ष है वो मौके से फरार हो गया है, उसको तस्दीक किया जा रहा है और जो भी इसके अंदर चीज़ें निकल के आएगी तदनुसार विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी।